मित्रों, आइए आज हम सिलेंडर यानी बेलन के बारे में सीखते हैं। बेलन क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, कैसे बनता है, कैसे दिखता है, इसके सूत्र क्या क्या होते हैं, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्या होता है, इस सब चीजों के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेलन क्या होता है, बेलन की परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा है, किसी आयत की एक भुजा को किसी आयत की एक भुजा को अक्ष मानकर उसके परितः घुमाने पर जो जो ठोस प्राप्त होता है उसे लंब वृत्तीय बेलन कहते हैं। ठीक है ना, परिभाषा है बेलन या लंब वृत्तीय बेलन, एक ही चीज है, इसे इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। ठीक है ना, इसकी परिभाषा है, किसी आयत की एक भुजा को अक्ष मानकर उसके परितः घुमाने पर जो ठोस प्राप्त होता है उसे लंब वृत्तीय बेलन या सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे यहाँ पर देखिए, ये आयत है, आयत आपको पता होगा कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और जिसके चारों कोण 90 अंश के हों, जिसके दोनों बिकर्ण एक दूसरे के बराबर हों, उसे आयत कहते हैं। तो कह रहा है किसी आयत की एक भुजा को, कोई भी भुजा हो, उस भुजा को अक्ष मानकर उसके परितः अगर घुमाया जाए तो इस तरह से जो ठोस प्राप्त होगा उसे बेलन कहेंगे। ठीक है ना, तो बेलन कैसे बनेगा देखिए, अगर इसी चीज को या हम इस भुजा के किसी भुजा को अक्ष मानकर अगर घुमाया तो हमें इस तरह की आकृति प्राप्त होगी। ऐसी ऐसे आकृति प्राप्त होगी। यहां से देखिए, अगर इसका केंद्र ये है तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, आर होगी, जिसे त्रिज्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए, ये वाली ऊंचाई, यहाँ से केंद्र है, इस ऊंचाई को यच यानी ऊंचाई कहेंगे। ठीक है, त्रिज्या ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये हो गया बेलन के बारे में, आपने जान लिया कि बेलन की परिभाषा क्या होती है और कैसे हमें प्राप्त होता है। उसके बाद हम समझते हैं बेलन का वक्र पृष्ठ सूत्र देखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन के वक्र पृष्ठ का मतलब है कि इस बेलन के ऊपर, ये बेलन के आकार की जो आकृति है इसके ऊपर जगह कितनी है। रुकिए, हम आपको समझाते हैं। यहाँ देखिए, ये मान लीजिए किताब है बेलन के आकार की, इसको अगर इसके परितः किसी एक भुजा के परितः अगर घुमाया जाए इसको, तो हमें एक ठोस प्रकार की आकृति, ठोस ऐसी आकृति प्राप्त होगी। ऐसी देखिए, जिसके दोनों आधार वृत्तीय होंगे, मतलब वृत्त के आकार के होंगे, तो इस तरह की आकृति बेलन कहलाएगी। अब बेलन का वक्रपृष्ठ का मतलब होता है कि इसके ऊपर जगह कितनी है, ए, इसके चारों तरफ की जगह,
इस जगह को क्या कहेंगे, वक्र पृष्ठ कहेंगे, मतलब इसके ऊपर क्षेत्रफल जो है, या इस जगह को हम बेलन का वक्र पृष्ठ कहेंगे। तो ये तो हो गया वक्र पृष्ठ। और अगर पूछे आपसे संपूर्ण पृष्ठ बताइए, तो ये जो ऊपर, अगर मान लीजिए एक डब्बे की तरह हो इस तरह का, तो नीचे और ऊपर अगर ढक्कन लगा दिया जाए तो इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, मतलब वक्र पृष्ठ और वृत्तीय आधार है, तो इसका और इसका भी क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हो जाएगा इसका संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है ना। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। अच्छा देखिए इधर, ये वृत्तीय है, वृत्त के आकार है, तो वृत्त का आधार क्या होता है, वृत्त का आधार परिधि, मतलब ये परिधि है, वृत्त वृत्त का आधार या वृत्त की परिधि हम कह देते हैं, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। और इसी 2 पाई आर, देखिए अगर आप एक राउंड खींच रहे हैं, नीचे वाला देखिए, मान लीजिए एक परिधि है वृत्त के आकार की, अब इसका हो गया 2 पाई आर, और यह एक एक परत कितनी ऊंचाई तक है, अगर यह ऊंचाई तक है तो इसका क्या कर देंगे, यह से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। तो ये हो जाएगा, अभी तो मान लीजिए परिधि है, अभी हम आपको बता रहे हैं, यहाँ देखिए तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होगा, या तो हम लिखें आधार की परिधि, आधार की परिधि, परिधि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर इंटू, या परिधि कितनी ऊंचाई तक, यह ऊंचाई तक है तो गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। अब आधार की परिधि क्या है, आधार इसका वृत्तीय आधार, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर इंटू ऊंचाई कितनी है, कितनी ऊंचाई तक ये परिधि है, यह ऊंचाई तक है तो यह, कुल मिला जुला के क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। मतलब अगर हम इस किताब, इस बेलनाकार किताब के ऊपर की अगर जगह हम देखें कितनी जगह है ये, तो ये जगह क्या हो जाएगी, इसको ज्ञात करने के लिए सूत्र है 2 पाई आर एच, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा हम देखते हैं बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ मतलब है, देखिए ना बेलन आकार का, तो इसके ऊपर ऊपर की जगह प्लस नीचे वृत्ति आधार, तो वृत्त का क्षेत्रफल ए और ऊपर वाला क्षेत्रफल, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो किसके बराबर होगा, वक्र पृष्ठ प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल, ठीक है ना। वृत्त की परिधि प्लस दोनों सिरों का, नीचे वाले का वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल और ऊपर वाले वृत्तीय आधार का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ कितना है, 2 पाई, वक्र पृष्ठ कितना है, 2 पाई आर एच, प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और 1 पाई आर स्क्वायर नीचे और 1 पाई आर स्क्वायर ऊपर, तो कितने हैं, 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहां से बताइए कॉमन क्या होगा, 2 पाई आर, और कोश यहाँ बचेगा क्या, यहाँ एच और प्लस यहाँ आर। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर कोष्टक में एस प्लस आर, ठीक है ना। और एक चीज है इसमें बेलन का, तीसरा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होगा कि निचले आयतन का मतलब होता है कि इस चीज में कोई चीज, देखिए जैसे ये देखिए मान लीजिए गिलास है, बेलन क्या आकार का, नीचे आधार इसका वृत्ति है, ऊपर भी आधार इसका वृत्ति है,
और ये देखिए इस तरह क्या करती है, बेलन के आकार की। अब इसका आयतन का वक्र पृष्ठ का मतलब आप समझ चुके हैं कि इसके ऊपर जगह कितनी है। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब ये आप समझ चुके हैं कि अगर इसके ऊपर ये कितनी जगह है प्लस इसके आधार और नीचे का कितना जगह है, इसको जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या लिखे हैं, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कैसे निकालेंगे आप, देखिए नीचे वृत्तीय आधार है तो नीचे वाले का क्षेत्रफल ले लेंगे, इसका क्षेत्रफल कितना है और ये क्षेत्रफल कितनी ऊंचाई तक है, नीचे वाला ये क्षेत्रफल ये जगह कितनी ऊंचाई तक है उसका गुणा कर देंगे, बस पता चले बेलन का आयतन क्या है। और आयतन का मतलब होता है कि जैसे इसमें मान लीजिए पानी भरा जाए तो कितना पानी भरा जाएगा, ये आयतन है, ठीक है। देखें तो लिखेंगे यहाँ आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, ठीक है ना, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। आगे देखिए आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्तीय आधार है तो इसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई h है तो h बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h, ठीक है ना। आप बेलन के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से जान चुके हैं कि बेलन की परिभाषा क्या होती है, उस कैसे हम बना सकते हैं ये भी, और बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे कितना होता है ये भी, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है ये भी आप जान चुके हैं, और बेलन का आयतन भी जान चुके हैं। तो आप बेलन से रिलेटेड आपको सवाल बताया जाएगा 9th और 10th का, वो भी आपको अच्छे समझ में आएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, धन्यवाद।